चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। ये कहानी है खूबसूरत शहर स्कॉट्सडेल की, जहाँ सुबह सूरज निकलते ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। उसी शहर के एक घर में चूचू नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्यारी चूचू सुबह उठ गई थी और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अचानक उसे रसोई से ऐसी भीनी खुशबू आई कि उसके मुंह में पानी आने लगा। उसकी माँ नाश्ता बना रही थी, जो जाने वाला था उसके लंच बॉक्स में। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। खुशबू अच्छी है, क्या है ये? ये है मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी, स्पाइसी चिकपी सैंडविच। क्या ये नाश्ते के लिए है? ये तुम्हारा लंच है। यम्मी, थैंक यू मम्मी। चूचू, तुम्हारी स्कूल बस किसी भी वक्त आती होगी, तो अब हमें चलना चाहिए। मैं तैयार हूँ, चलो चलें। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। बस के पहिए घूमे गोल गोल गोल, घूमे सारा दिन। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। बस के पहिए घूमे गोल गोल गोल, घूमे सारा दिन। उसके पेट में चूहे कूदने लगे थे। अब उसे इंतजार था लंच की घंटी बजने का। क्या तुम थोड़ा सा स्पाइसी चिकपी सैंडविच लेना चाहोगी, जो मेरी मम्मी ने बनाया है? जरूर लूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चूचू ने लंच बॉक्स खोला तो देखा सैंडविच गायब था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता है किसी ने तुम्हारा सैंडविच खा लिया है और लंच बॉक्स को खाली छोड़ दिया। रो मत, हम इसका पता लगा लेंगे। चलो, तुम मेरा लंच खा सकती हो। फिर उन दोनों ने लंच खाया और वो सेब भी जो चूचू लेकर आई थी। फिर दोनों क्लास में चली गईं। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। चलो चूचू, सोने का टाइम हो गया। अगले दिन
रो मत, तुम मेरे साथ लंच कर लो। लगता है कोई जानकर तुम्हारे साथ ये मजाक कर रहा है। हमें इस चीज को खत्म करना ही होगा। पर हम ये कैसे करेंगे चीकू? हम दोनों ही खा सकते हैं तेज मिर्च वाला खाना। अपनी मॉम को कहना कि कल सैंडविच में और मिर्च डाल दें। मुझे विश्वास है कोई उसे नहीं खा पाएगा, और वो नहीं खा पाएगा तेज मिर्च वाला सैंडविच। बात तो काम की है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। मम्मी, क्या आप मेरे लिए दो सैंडविचेस बना सकती हैं और उनमें तेज मिर्च डाल सकती हैं? जरूर बेटा। जरा ध्यान से, मिर्च काफी तेज हो सकती है। बाय बाय मम्मी, लव यू। बाय बाय, लव यू टू। चूचू और चीकू ने जल्दी से जाकर देखा, हैरी भागता जा रहा था बॉयज टॉयलेट की तरफ। फिर वो दोनों गई लॉकर तक और उन्हें मिला आधा खाया हुआ सैंडविच। हाँ? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। उस दिन के बाद से चूचू का लंच कोई नहीं चुराता था और वो उसे बांटती थी चीकू के साथ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था कसली। वो एक बहुत ही शरारती बच्चा था। वो अपने दोस्तों को धक्का मारता, उन्हें तंग करता और हर बात में हमेशा अपनी ही चलाता था। उसके दोस्त नर्म दिल और माफ करने वाले थे। वो उसका सख्त और बुरा बर्ताव इस उम्मीद में सह लेते थे कि वो बदल जाएगा। उसमें कुछ बुरी आदतें थी, अपनी किताबें फाड़ डालने की, कपड़े इधर उधर फेंकने की और खिलौनों को तोड़ने की। लेकिन अब जल्दी ही किसी को उसे सबक सिखाने की जरूरत थी। वो बहुत ही प्यारा दिन था। उसकी मॉम ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा कमरा कूड़े दान जैसा लग रहा है। तुम्हारे कपड़े, खिलौने और किताबें फर्श पर सब तरफ फैली हुई हैं। मुझे फर्श बिल्कुल साफ चाहिए और सारी चीजें अपनी जगह पर। मैं जल्दी ही तुम्हारे कमरे में देखने आऊंगी, ठीक है ना? तुम्हें सजा तो नहीं चाहिए या चाहिए? सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से आपको फर्श बिल्कुल साफ मिलेगा। वाओ, इतनी जल्दी कर लिया? ये तो तुम्हारा कमरा लग ही नहीं रहा। बहुत अच्छे। चलो आओ, घूमने चलते हैं और मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवाऊंगी, तुम्हारी मेहनत का इनाम। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है। डिनर तैयार है, जल्दी से डिनर कर लो और सो जाओ। हाँ ठीक है। मैं तो भूल ही गया कि मैंने ये चीजें बिस्तर पर रख दी थी। अब
हटो मेरे बिस्तर से और चलो जाओ अपनी असली जगह पर। कसली ने अपनी किताबें फर्श पर फेंक दी, उसने खिलौने भी फर्श पर बिखेर दिए और कपड़ों को बेड के नीचे फेंक दिया। अब जबकि मेरा बिस्तर बिल्कुल साफ है तो मैं लाइट बंद करके सो जाता हूँ। अगले ही पल कसली गहरी नींद में था और जोर से खर्राटे ले रहा था। वो बड़बड़ाने लगा, नींद में इधर उधर हिलने लगा। उसका टॉय मॉन्स्टर ट्रक उसके पैरों को कुचलने आ रहा था। उसकी किताबें इधर उधर उड़ रही थीं और जोर जोर से टकरा रही थीं। सारे कपड़े इकट्ठे होकर उसे ढकने की कोशिश कर रहे थे। उसका टॉय रोबोट उसके बाल खींच रहा था और उसके ऊपर उछल रहा था। आखिर में उसकी बड़ी वाली स्टोरी बुक जो कि उसके ऊपर रैप में थी उसके सर पर धड़ाम से आकर गिरी। एक जोरदार आवाज हुई। कसली अपने बिस्तर से गिरकर नीचे फर्श पर आ गया था। उसकी नींद खुली तो वो हैरान, डरा हुआ और पसीने से भीगा हुआ था। बाप रे, ये सब क्या था? लगता है कोई अजीब सा सपना था। बहुत ही बुरा सपना था। उठकर सारी चीजों को उनकी जगह पर रख देता हूँ। जिसकी जो जगह है वो वहाँ जाएगा। उस दिन के बाद से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सबके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। उसने वादा किया कि वो अपनी किताबों और खिलौनों का अच्छे से ध्यान रखेगा। शहर से दूर एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था पार्कलैंड। इस टाउन को आसपास के लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि इसमें एक बड़ा सा पार्क था। मेयर और शहर के लोगों ने सोचा कि पार्क और बढ़िया बन जाएगा अगर इसमें कुछ जानवर होंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो लाएंगे एक प्यारा सा बेबी एलिफेंट और वो बनेगा पार्क मैस्कॉट। वो लोग पास के एक जू में गए, वहाँ के एक बेबी एलिफेंट को अडॉप्ट किया और उसे पार्क में ले आए। वो बेबी एलिफेंट बहुत शरारती था लेकिन था बहुत ही प्यारा। आसपास के लोग और बच्चे अपने घरों से फ्रूट्स लेकर आते और बेबी एलिफेंट को खिलाते। बेबी एलिफेंट बहुत खुश था और वहाँ आने वाले बच्चों के साथ खेलता था। एक दिन तीन शरारती बच्चे उस बेबी एलिफेंट को देखने आए। उन्होंने देखा कि आसपास के लोग बेबी एलिफेंट को फ्रूट्स खिला रहे थे। उनमें से एक लड़के के हाथ में केला था। वो लड़का हाथी के साथ एक शरारत करना चाहता था। लड़के ने अपने आप से कहा, मैं केले के अंदर एक पत्थर रखकर हाथी को खिलाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या करता है। लड़के ने एक पत्थर उठाया और शरारती मुस्कान के साथ उस केले के अंदर रख दिया। उसने वो केला बेबी एलिफेंट को दिया जिसे वो मजे में खाने लगा। लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने उस केले के अंदर एक पत्थर रखकर उसे हाथी को खिला दिया है। तीनों ने बेबी एलिफेंट को देखा और मुंह दबाकर हंसने लगे। केला खाते हुए बेबी एलिफेंट ने पत्थर को भी चबा लिया। उसे दांतों में बहुत दर्द होने लगा। वो तीनों लड़के बेबी एलिफेंट पर हंस रहे थे। वो एक दूसरे पर अपने किए कारनामे की शेखी बघार रहे थे। बेबी एलिफेंट का ध्यान इस बात पर गया। तभी अंधेरा होने लगा और वो लड़के अपने घर की ओर चल पड़े। अगले दिन उस शरारती लड़के का बर्थडे था।
उसकी माँ ने उसे एक नई टी शर्ट दिलाई। लड़के ने वो नई टी शर्ट पहनी और दोस्तों के साथ खेलने चला गया। तभी बेबी एलिफेंट की नज़र उन लड़कों पर गई और उसने उन बच्चों से बदला लेने का फैसला किया। बेबी एलिफेंट ने अपने आप से कहा, मुझे इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए ताकि ये फिर दोबारा किसी और के साथ ऐसी शरारत ना करे। बेबी एलिफेंट ने देखा कि पास में ही कीचड़ वाले पानी से भरा एक गड्ढा था। वो चुपचाप उस जगह पर गया जहां वो लड़के खेल रहे थे और अचानक से उसने अपनी सूंड से वो कीचड़ वाला पानी उस लड़के पर फेंक दिया। लड़का उस कीचड़ वाले गंदे पानी से पूरी तरह भीग गया। वो रोने लगा और उसने कहा, मेरी नई शर्ट ये भी गंदी हो गई और मैं भी गंदा हो गया। बेबी एलिफेंट को लड़के को रोता देखकर अच्छा नहीं लगा। मुझे उसे रोता देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो उसका रोना बंद करवाएं। उसने सोचा और खुद से कहा, मैं पास बह रहे साफ पानी से इस लड़के के कपड़ों पर लगे कीचड़ को साफ कर दूंगा। बेबी एलिफेंट भाग कर बह रहे साफ पानी तक गया और अपनी सूंड में साफ पानी को भर लिया। फिर वो उस लड़के के पास गया और अपनी सूंड से साफ पानी उस पर छिड़क दिया। लड़के पर से सारा कीचड़ धुलकर बह गया, पर वो अब भी गीला था। बेबी एलिफेंट उस लड़के के पास गया और अपनी सूंड से हवा निकालकर उसने लड़के को सुखा दिया। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट मुस्कुराया और उसने अपनी सूंड आगे करके लड़के से हाथ मिलाया। लड़का भी बेबी एलिफेंट पर मुस्कुराया और कहा, जरा थोड़ी देर रुको। लड़का भाग कर गया, एक केला लेकर आया और बेबी एलिफेंट को दे दिया। बेबी एलिफेंट ने अपनी सूंड से लड़के को गले लगा लिया। फिर उसने लड़के के हाथ से केला लिया और उसे खा लिया। उस दिन के बाद से वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। एक बड़ी सी हरे भरे चरागाह में शेरों का एक झुंड रहता था। राजा शेर मजे से धूप सेक रहा था और अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी रानी उसके साथ बैठी हुई थी और अपने बच्चे को राजा के साथ खेलती देखकर खुश हो रही थी। वहीं पास में ही रहता था चूहों का राजा अपनी प्रजा के साथ। चूहों का राजा एक पत्थर पर बैठा हुआ था और शेर के बच्चे की शरारतों का मजा ले रहा था। एक शरारती चूहा बिल में से निकलकर बाहर आया। वो शेर के साथ खेलना चाहता था। चूहों के राजा को जब उस शरारती चूहे के इरादों का पता चला तो बोला, शरारती चूहे, वहाँ जाकर शेरों के राजा को तंग मत करो। क्यों नहीं महाराज, शेरों के राजा मेरे साथ क्या करेंगे भला? वो तुम पर इतने नाराज होंगे कि वो दहाड़ेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। ये तो आप मुझे डराने के लिए कह रहे हैं ना महाराज। वो शरारती चूहा शेरों के राजा की तरफ भाग पड़ा। चूहों का राजा बिल्कुल हैरान रह गया शरारती चूहे की इस हरकत को देखकर। शरारती चूहे ने शेरों के राजा की दाढ़ी खींची, उससे अपने लिए एक नरम बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। शरारती चूहे की इस हरकत से शेरों के राजा को गुस्सा आ गया, जो कि अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे।
शेरों के राजा ने अपना गुस्सा दहाड़ कर दिखाया और अपने नाखून से शरारती चूहे को उछालकर दूर फेंक दिया। शरारती चूहा गुलाटी मारता हुआ अपने दोस्तों से जा टकराया और वो सब के सब गिर पड़े। शेरों के राजा शरारती चूहे की तरफ चल कर आए और जोर से दहाड़े। शरारती चूहा तो डर से थर थर कांप रहा था। ये सब देखकर चूहों का राजा भागा और आकर शेरों के राजा के सामने खड़ा होकर बोला, बच्चे को माफ कर दीजिए ओ राजाओं के राजा। चूहों का राजा जोर से शरारती चूहे पर चिल्लाया और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। फिर मुड़कर शेरों के राजा से कहने लगा, हे शेरों के राजा, इस बच्चे को इसकी गलती के लिए माफ कर दो। इस बच्चे ने मुझे गुस्सा दिलाया है, इसलिए इसे इसकी सजा मिलेगी। मैं इसे खा जाऊंगा। ओ राजाओं के राजा, उसकी जगह मैं खुद को पेश करता हूँ। मैं तो तुम दोनों को खा जाऊंगा। चूहों का राजा अचानक रुका और अपनी तलवार निकाल कर बोला, तब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आपसे लड़कर अपनी प्रजा की रक्षा करूं। शेरों के राजा को बड़ी हैरानी हुई चूहों के राजा का ये जवाब सुनकर। शेरों के राजा ने अपना पंजा धीरे धीरे चूहों के राजा की तरफ बढ़ाया। चूहों का राजा डर से कांप रहा था पर फिर भी अपनी रक्षा के लिए डटा रहा। शेरों के राजा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी हिम्मत और प्रजा के लिए तुम्हारा प्यार देखकर। तुम्हारे इस तरह अपनी प्रजा के लिए डटे रहने से मैं खुश होकर तुम दोनों को माफ करता हूँ। चूहों का राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपकी जय हो। मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगा। कुछ दिनों बाद की बात है, शेरों के राजा अपनी रानी के साथ चरागाह में चहल कदमी कर रहे थे। एक शिकारी ने वहाँ जाल बिछाया हुआ था शेरों के राजा को पकड़ने के लिए। अनजाने में शेरों के राजा उस पिंजरे में फंस गए। हमारे राजा, हमारे राजा, वो तो उस शिकारी के पिंजरे में फंस गए हैं। हमें जाकर उन्हें आजाद करने के लिए कुछ करना होगा। चलो। चूहों का राजा अपनी शाम की सैर के लिए जा रहा था और उसने देखा कि शेरों का राजा एक पिंजरे में कैद है। उस सीटी की आवाज सुनकर चूहों की एक फौज भागती हुई आ गई, ये सोचकर कि उनका राजा खतरे में है। चूहों के राजा ने शेरों के राजा के पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा, हम सबको मिलकर शेरों के राजा को आजाद कराना है। सब लोग आ जाओ, हमला। सारे चूहों ने पिंजरे को अपने दांतों से कुतरना शुरू कर दिया और जल्द ही पिंजरा टूट गया। शेरों की रानी खुशी से उछल पड़ी। चूहों के राजा, मेरी जान बचाने के लिए आपका और आपकी प्रजा का बहुत बहुत शुक्रिया। हे राजाओं के राजा, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके उस एहसान का बदला चुका सका जब आपने हमें माफ किया था। अगले दिन सुबह शेरों के राजा और उनकी रानी धूप में आराम से बैठे हुए थे
दोनों ने देखा कि चूहों का राजा अपनी सैर के लिए जा रहा था। शेरों के राजा और उनकी रानी चूहों के राजा को देखकर मुस्कुराए और उसे सलाम किया। चूहों के राजा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और सलाम किया। उस दिन के बाद से वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। एक घने जंगल के बीचों बीच एक घोंसले में एक तोता परिवार रहता था। मादा तोते ने घोंसले में अंडे दिए थे। तोतों ने एक दूसरे से कहा, बारिश का मौसम बस आने ही वाला है और हमारे बच्चे पैदा होने वाले हैं। इन्हें खिलाने के लिए खाना लाकर पहले से ही जमा कर लेते हैं। दोनों तोते खाने की तलाश में उड़ गए। पेड़ से कुछ ही दूर पर मिट्टी के एक बिल में रहने वाले एक सांप ने इन दोनों की बात सुनी और खुद से कहा, जब तक ये वापस आएंगे मैं इनके अंडे चट कर जाऊंगा। वो सांप पेड़ पर चढ़ गया और रेंगता हुआ घोंसले के अंदर पहुंच गया। उसने एक शैतानी हंसी के साथ अंडों पर नजर डाली और उन्हें खाना शुरू कर दिया। अपना खाना इकट्ठा करने के बाद जब दोनों तोते अपने घोंसलों में वापस आए तो उन्हें अंडों के टूटे हुए छिलके मिले और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उधर पास से ही फलों की तलाश में एक बंदर गुजर रहा था। तोतों को रोता देखकर बंदर ने कहा, तुम्हें रोता देखकर बुरा लग रहा है, मुझे अपनी कहानी बताओ, आखिर हुआ क्या है? उदास तोतों ने बंदर को जवाब दिया, जब हम खाना इकट्ठा करने गए थे तो हमारे अंडों को उस फन वाले सांप ने खा लिया। तोतों की कहानी सुनकर बंदर उदास हुआ और उसने उस सांप से पूछा, तुमने इनके अंडे क्यों खाए जो घोंसले में थे? बुरे इरादों वाले सांप ने एक फुफकार मारी और बंदर की तरफ लपकते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक बार और सवाल पूछा तो मैं तुम्हें डस लूंगा। तोतों के साथ बंदर भी उदास होकर बैठ गया। बंदर को एक तरकीब सूझी। बंदर ने कौवे को बुलाया, काओ काओ। बंदर ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि क्या हुआ था। फिर उसने कहा, रोज नहाने से पहले राजकुमारी अपना कीमती हार उतार कर रखती हैं। क्या तुम वहाँ महल में जाकर उस हार को उठा लाओगे और उसे सांप के बिल में फेंक दोगे? कौवे ने हामी भरी और कहा, काओ काओ, मुझे ये काम करके बहुत खुशी होगी क्योंकि हमें इस दुष्ट सांप से छुटकारा मिल जाएगा, काओ। फिर वो कौवा महल की तरफ उड़ चला। उसने देखा राजकुमारी नहा रही थी। पास ही एक मेज पर उनका कीमती हीरो का हार पड़ा हुआ था। कौवा उड़ते हुए नीचे आया, हीरो का हार उठाया और उसे लेकर सांप की बिल की तरफ उड़ गया। राजकुमारी की एक दासी ने यह देख लिया। उसने चिल्लाकर सैनिकों को बताया, चोर कौवा हीरो का हार चुरा के ले गया, पकड़ो पकड़ो। सैनिकों ने दासी की चीख सुनी और कौवे का पीछा करने के लिए भाग गए। उन्होंने देखा कि कौवे ने वो हार सांप के बिल में फेंक दिया और खुद उड़कर पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। वो हार जाकर सीधा सोते हुए सांप की गर्दन पर जाकर अटक गया। अरे वाह, क्या शानदार हीरो का हार है। सैनिकों ने अपने भाले से सांप के दिल को खोद दिया और वो सांप बाहर आ गया। सैनिकों ने सांप से वो हार वापस देने के लिए कहा, जिस पर सांप ने जवाब दिया, ये मेरा हार है, जो पावत है सो नाचत है, जो खोवत है सो रोवत है, ना 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 ना। सैनिकों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने भाले से
पीट पीट कर सांप को मार डाला और वो हार ले लिया। तोतों, बंदर और उस कौवे सबने गहरी चैन की सांस ली। तोतों ने उनकी मदद करने के लिए बंदर का और उस कौवे का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद अपने बच्चों के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। जोई, जोई, यहाँ हो तुम। जोई, फार्म और जानवरों की देखभाल करते हुए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे पास एक इनाम है तुम्हारी इस मेहनत के लिए। तो देखो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा इनाम, एक बढ़िया सी बड़ी हड्डी। जोई बहुत खुश था और अपने मालिक को ये खुशी अपनी पूंछ हिलाकर दिखा रहा था। जोई ने वो हड्डी ली और अपने केनल में भाग गया। वो बहुत खुश था कि उसे उसकी मेहनत के लिए एक हड्डी इनाम में मिली थी। उसने खुशी से उछलकर उस हड्डी को चूमा, जो उसके लिए एक कीमती तोहफा थी, और बोला, मैं तो आज जश्न मनाऊंगा इस पूरी हड्डी को अकेले खाकर। आसपास के दूसरे कुत्ते जोई के साथ खेलने उसके यहाँ आए। जोई उनके साथ हड्डी बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वो गुर्राया और भौंका उन दूसरे कुत्तों पर। उसकी इस हरकत से नाराज होकर वो कुत्ते आपस में खेलने चले गए। जोई ने हड्डी को अपने मुंह में लिया और खुद से बोला, जश्न मनाने का वक्त है, मैं हड्डी को लेकर पार्क जाता हूँ और वहाँ इसे अकेले खाऊंगा। हड्डी को अपने मुंह में लेकर उसने पार्क की तरफ चलना शुरू किया, ये दिखाते हुए कि वो दूसरे कुत्तों को नहीं देख रहा है। दूसरे कुत्ते जोई की इस हरकत की वजह से उदास हो गए थे। पुल पार करते हुए उसे पुल के बीच की जगह में से पानी में अपनी परछाई नजर आई। मैंने आस पड़ोस के कुत्तों से कहा था मेरे पीछे मत आना, फिर भी वो आ रहे हैं मेरी हड्डी लेने के लिए। मैं इन पर थोड़ा गुर्राता और भौंकता हूँ और अभी बताता हूँ। जो हड्डी वो अपने मुंह में ले जा रहा था नीचे पानी में गिर गई। मुझे बहुत दुख है हड्डी को खोने का। हड्डी खोने से उदास होकर वो वहीं पानी के किनारे बैठ गया। आस पड़ोस के कुत्ते इकट्ठे किए हुए खाने को खाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा जोई पानी के किनारे उदास बैठा है। अरे जोई, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? जोई ने उसे पूरी बात बताई। सभी कुत्तों ने जोई से कहा कि वो उदास ना हो और अपना खाना उसके साथ बांटा। जोई को अपनी गलती का एहसास हुआ। और उन कुत्तों के साथ खाना ना बांटने की बात से शर्मिंदगी महसूस हुई। इसी बीच वहाँ पानी के किनारे एक आदमी बैठकर मछली पकड़ने वाले कांटे से मछली पकड़ रहा था। उसने कांटा अंदर फेंका जिसमें वो हड्डी फंस गई जो जोई ने गिरा दी थी। ये देखकर कि वो मछली नहीं थी,
उस आदमी ने वो हड्डी फेंक दी। वो हड्डी जोई के पैरों के पास आकर गिरी। खुशी से जोई चिल्ला पड़ा, मेरी हड्डी, ये तो मेरी हड्डी है, मुझे वापस मिल गई। अगले ही पल उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनके साथ वो हड्डी बांटी। उस दिन के बाद से वो सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।